जन्मभूमि टाइम से मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं आवाज टीवी। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। थाना भोजीपुरा के ग्राम घूर समसपुर के रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी गूंगी बहरी साली के साथ एमएसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की है। उसने 14 जुलाई 2022 को अपनी तलाकशुदा साली का विवाह गांव में ही कराया था। साली गूंगी बहरी है और उसकी 10 वर्षीय पुत्री भी है। प्रार्थी ने बताया कि 16 जुलाई 2022 को वो घर पर अकेली थी और खाना बना रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने घर के अंदर घुस के जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया। घटना के समय 10 वर्षीय पुत्री आ गई और उसने शोर मचाया। बच्ची का शोर सुनकर एकत्रित होने लगी, जहां से आरोपी भाग गया। आरोपी है कि 16 जुलाई को पुलिस चौकी घोरा टांडा और 17 जुलाई को थाना भोजीपुरा में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने अभी तक ना ही कोई सुनवाई की है ना ही मामला दर्ज किया है। पीड़ित ने मामला दर्ज की मांग करते हुए न्याय दिलाने की मांग की है। दिन 16 तारीख दिन के 3 बजे मेरी साली खाना बना रही थी, तो एक वो आर्यपुर मजला घर में घुसाया। उसने आके इसकी जबरिया कौरिया भर के घर में ले गया। अंदर ले जाने के बाद में इसके संग उसने बलात्कार करा। लड़की इसकी 10 साली लड़की है। जब उसने आके इसको नंगा देखा तो लड़की शोर मचाते हुए बाहर को भागी। मेरी पत्नी उधर से भाग के आई तो नंगा भारी खड़ा हुआ, नंगा ही भागा था। अब मैं थाने जा चौकी गया, मैं तो चौकी में मेरी तहरीर नहीं ली, ना लिखी। वहाँ से मुझसे कहते तू थाने जा। थाने आया मैं, थाने भी मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। मैं एज ओ साहब से कही तो एज साहब बोले साहब कि ये तेरे को पैसा आए। वहाँ से मैं अपने दोबारा फिर आज मैं वहाँ से जब गया तो मैंने कहा साहब मेरी कोई सुनवाई हुई? बोले मैं तेरी सुनी, तू भाग जा यहाँ। मैं अब आया हूँ साथ के यहाँ पर। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा है कि आप जाइए, आपको अन्याय मिलेगा और नहीं मिलेगा दोबारा फेरा जाना। अब आप मैंने दोबारा यहाँ दे दिया, तीसरा फिर मुझे बुला रहे हैं। बोलती नहीं है लड़की आपकी? नहीं बोलती नहीं है, गूंगी है, गूंगी कह रही है। अभी की खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आवाज टीवी। अपने आसपास की खबर प्रसारित करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7517560101 पर संपर्क करें। वेब पोर्टल jbtawaz.com लॉगिन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और प्ले स्टोर से JBT आवाज ऐप डाउनलोड करें।